दोस्तों, आपने साल 2012 में कलर्स टीवी पर प्रसारित किया गया शो न बोले तुम न मैंने कुछ कहा तो देखा होगा, जिसमें विधवा मेघा और यंग मोहन की अनोखी प्रेम कहानी के साथ विधवा पुनर्विवाह के एक गंभीर सामाजिक मुद्दे को बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया, जिसे दर्शकों ने बेहद पसंद किया। इसलिए तो इस शो का दूसरा भाग भी टीवी पर दिखाया गया था, जिससे शो के सभी कलाकारों ने अपने किरदार के साथ काफी प्रसिद्धि हासिल की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शो को पूरा 8 साल हो चुका है, और इन बीते 8 सालों में आज वो कलाकार सब कहाँ हैं, किस तरह की जिंदगी बिता रहे हैं, आज हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो फिर देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रिंकू कर्माकर। रिंकू कर्माकर सीरियल में रेणु व्यास के किरदार में नजर आई, जो संजय की पत्नी का किरदार था, और अपने किरदार से सबका दिल भी जीता। लेकिन इस शो में रेणु व्यास का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुई अभिनेत्री रिंकू कर्माकर इन बीते सालों में बहुत बदल गई हैं। वर्तमान में काफी मोटी और एज नजर आती हैं। वह इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने टीवी एक्टर किरण कर्माकर से शादी की है, जिनके साथ आज वो काफी खुशहाल जीवन जी रही हैं। नंबर 2, नीलू कोहली। मोहन की माँ इंदु भटनागर के रूप में अभिनेत्री नीलू कोहली नजर आई। इस शो के बाद उन्होंने आहट और जमाई राजा जैसे सीरियल्स में काम किया। उन्होंने इसके अलावा खन्ना और अय्यर, MP3, स्टाइल और गोरी तेरे प्यार में जैसी कई बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय किया है। लेकिन इंदु भटनागर का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री नीलू आज पहले से काफी बदल गई हैं। वर्तमान में वो अपनी 55 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं, पहले से ज्यादा मोटी दिखती हैं। बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो इन्होंने हरमिंदर सिंह कोहली से शादी की है, और दोनों आज एक दूसरे के साथ बेहद ही खुशहाल जीवन जी रहे हैं। नंबर 3, दुष्यंत वाघ। मोहन के भाई गुरु के किरदार में अभिनेता दुष्यंत वाघ दिखे। इस शो के बाद इन्होंने टीवी शो भा से भदे और फिल्म 3 इडियट्स में भी काम किया। लेकिन इस शो से प्रसिद्ध हुए अभिनेता दुष्यंत आज भी इस शो के गुरु के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान में वो बहुत बदल गए हैं, आज वो अपनी 34 साल की उम्र कंप्लीट कर चुके हैं। बड़ी मूंछों के साथ बिल्कुल भी पहचान में नहीं आते, पर आज भी उन्होंने अपने करियर को जारी रखा है और इस नए शो की तैयारी में बिजी हैं। बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो इन्होंने इन बीते सालों में शादी कर ली है, हालांकि उनकी पत्नी का नाम सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन दुष्यंत आज अपनी पत्नी के साथ बेहद खुशहाल जीवन जी रहे हैं। नंबर 5, आकांक्षा सिंह। शो की लीड एक्ट्रेस आकांक्षा सिंह ने शो में विधवा मेघा का किरदार निभाया, जो अद्दू नविका की माँ और मोहन की पत्नी का किरदार था। इस शो के बाद उन्होंने गुलमोहर ग्रैंड टीवी शो में काम किया। लेकिन इस शो में मेघा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री इन बीते सालों में बहुत बदल गई हैं। आकांक्षा 30 साल की हो गई हैं, जहां इस शो में वो काफी सिंपल दिखी, वहीं जो आज काफी बोल्ड और ब्यूटीफुल नजर आती हैं। साथ ही अभी तमिल फिल्मों में काम करती हैं। हाल ही में एक्टर सुदीप के साथ पहलवान मूवी में नजर आई। बात करें उनके निजी जीवन की तो इन्होंने 2014 में कुणाल सेनी से शादी कर ली, और इन्हीं के साथ आज वो खुशियों भरी जिंदगी जी रही हैं। नंबर 5, कुणाल करण कपूर। अंत में बात करते हैं शो के मुख्य अभिनेता मोहन का किरदार निभाने वाले कुणाल करण कपूर के बारे में, जो पेशे से एक पत्रकार हैं और मेघना का प्रेमी था, जिसे इन्होंने काफी अच्छे से निभाया। इस शो के बाद कुणाल ने डोली अरमानों की शो में काम किया, पर इस शो में मोहन के किरदार से प्रसिद्ध हुए अभिनेता आज काफी बदल गए हैं। आज वो 38 साल के हो गए हैं। अब इन्होंने अपने घुंघरेले बाल कटवाकर अपना लुक भी चेंज कर लिया है, पर अभी भी कुणाल ने अपने करियर को जारी रखा है। बता दें वो वेब सीरीज द राइकर केस में मेन रोल प्ले कर रहे हैं। बात करें इनकी निजी जिंदगी की तो वो अभिनेत्री श्रुति झा को डेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस शो में आपको किसका किरदार सबसे ज्यादा पसंद आया, आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।